हेलो ब्रदर, मैं आ गया हूँ फिर से। ये देखो भाई, गल्फ़ में कितना महंगा रिचार्ज है भाई। 800 रुपये में 2 GB, 1300 रुपये में 5 GB, 2400 रुपये में 16 GB। अरे भाई, इंडिया में अपना इतने रुपए में 1 साल का रिचार्ज हो जाता है। ये बिल्डिंग का व्यू देख सकते हो कि मतलब लगता है कोई यूरोपियन कंट्री टाइप, लाइक देख रहे हो आप, एक जैसा ही बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इसका व्यू, देख रहे हो। यहीं पर रहते थे हम, बट अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे जगह से। पहले हम लोग जो रहते थे सुहार में ही रहते थे, अभी जो जा रहे हैं सुहार में ही है, बट उससे 5 किलोमीटर डिफरेंस है। मतलब डिस्टेंस है बिटवीन दिस एंड दैट 5 किलोमीटर है, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो ये है सुहार सिटी, दिखाऊंगा मैं और भी बहुत सारे व्यू इसका और सब मॉल्स वगैरह, बहुत सारे चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप सुहार सिटी ओमान। तो पहुंच गए हैं गाइस हम लोग जहाँ पे रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ, यही एरिया है जो अपार्टमेंट टाइप का है, हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। दूसरा बिल्डिंग है यहाँ पे, इसका नाम है विला, फ्लाज विला बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपना रूम, एंड ये देख सकते हो बाहर का व्यू बाय विंडो। इसी टाइप का विला हमारा भी, बहुत ही बेहतरीन लगता है, लगता है यूरोप सिटी में हम लोग। तो ये सकते हो, ये है लिविंग एरिया, एंड मैं अभी कर रहा हूँ डोर ओपन, एंड दिस इज़ आवर रूम्स। ये हमारा रूम्स, 3 बंदे रहते हम लोग, दोस्त हैं सब। ये है बाहर का व्यू देख सकते हो, एंड दिस इज़ मिरर। मिरर में फ़ोटोज़ लेना या वीडियोज़ लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा किचन एरिया, ये वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते हैं अपना, एंड ये है किचन एरिया। तो किचन का तो कभी काम पड़ा ही नहीं, खाना हम लोग बनाते नहीं हैं, बाहर से आता है खाना। ये देखो, ये धुआं जो होता है तो उसको एग्जॉस्ट कर लेता है वो, एंड ये फ्रिज रखा हुआ था हमारा, बस इतना सा किचन है हमारा। एंड ये है हमारा वॉशरूम, गीज़र लगा हुआ है, एंड झरना भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन भी है, हर चीज़ है यहाँ पर। एंड ये दिखाता हूँ आपको मिरर्स, मिरर्स। ये हमारा कबाड़ जो कपड़े रखता हूँ मैं, एंड ये दूसरा कबाड़ जो कुछ सामान रखा रहता है इधर उधर का। रियल 300, तो कितना, 130 का हिसाब से कितना हो जाता है आपका? 90,000, कुछ 1 लाख, कितना? 30,000। तो खाना पीना लेकिन बचता नहीं होगा ना? ये जो है हमारे क्लीनर है, बट बहुत इनोसेंट, बहुत शरीफ टाइप के थे ये, बहुत ही अच्छे थे अंकल, हम लोग चाचा बुलाते थे इनको, बहुत अच्छे थे। तो मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने, बाहर जाना है हमको। नाउ आई गॉट रेडी फॉर मूविंग आउटसाइड। थर्ड फ्लोर का ही बिल्डिंग है, बट इसमें लिफ्ट लगा हुआ है, तो मतलब परेशानी नहीं होती ऊपर नीचे उतरने में। तो ये है बाहर का व्यू जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसी रूम से, और हम मैं जा रहा हूँ अभी बाहर। मैं दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस, तो ये देख सकते हो आप। तो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे 222, इंडिया का 44 रुपीज़ होता है। तो चलता हूँ मैं अपने फिर सफ़र की ओर, लेट्स गो। ये सुहार हाईवे मस्कत से कनेक्टेड है, तो चल। तो ये है हाईवे गाइस, एंड इसके नीचे से हम लोग क्रॉस होने वाले हैं, बिकॉज रोड क्रॉसिंग के लिए दिया गया है ये, नीचे से जा सके। तो क्रॉस हो रहा हूँ मैं इससे, इसमें से कार भी मतलब क्रॉस होता है ईजिली, लेकिन और साफ़ सफाई रहना चाहिए तो कम से कम, क्या बोलता है तू, साफ़ सफाई। तो ये है नेस्टो मॉल गाइस, नेस्टो मॉल बहुत ही बड़ा मॉल है, एंड ओमान में बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं इसका, नेस्टो मॉल। और ये है नेस्टो मॉल्स, एवरीथिंग इज हियर, बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं आप ये, और मिरर्स, मिरर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये है, ये मैं लेने आया था यही लिप बाम, मतलब लिप्स में वैसलीन आता लगाने के लिए, वही लेने आया था मैं। इसका प्राइस देखो आप, तो इसका प्राइस है 1.239,
मतलब इंडिया के हिसाब से इंडिया में ये 5 रुपये का मिलता है और यहाँ पे इसका 245 रुपये समथिंग दाम है। भाई इतना महंगा, इंडिया के कंपेरिजन में 240 रुपये ज़्यादा, इतना महंगा लगा। मैं अब कुछ लूँगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सच में आ गया भाई। बहुत महंगा था यार, वो वैसलीन लेना था मेरे को खाली। तो मैं भी आ गया हूँ अपना। अरे तू झगड़ा लगा रहा ना भाई, मैं क्या कर रहा, मैं घंटा कुछ नहीं करा भाई, बस तू खिड़की बंद कर सकता था। अरे मैं भाई, मैं उनका डिस्कशन चल रहा था जब तक मेरा खाना और नाश्ता दोनों भी आया हुआ था। यार था मेरा नाश्ता, मैं अभी तक ओपन भी नहीं किया हूँ इसको, ओपन करूँगा कैसा करूँगा। नाश्ते में बहुत कुछ है एंड अभी टाइम हो गया है 1 बजने वाला है। अभी तक मेरा जो है ना लंच भी आ चुका है, ये दिखाता हूँ आपको, ये लंच भी आ गया। ये है मेरा ब्रेकफास्ट एंड दिस, तो ये है लंच, ये दो बॉक्स ओपन करता हूँ मैं, इसमें पापड़, ये लंच रोटी चावल, दो सब्जी है, दाल सलाद एंड चिकन कड़ी है, छाछ एंड एप्पल ऑल्सो, इसके अंदर है पापड़। हमारा लंच, नाश्ता पैक कर दिया मैंने, नाश्ता कर दिया हूँ पैक, दिस इज माय लंच। तो हम लोग ने लाए हैं वाईफाई, बिकॉज हम लोग को जो है ना प्रॉब्लम हो रहा था नेट यूज़ करने में, लिमिटेड MB मिलता था, लिमिटेड GB मिलता था, इसके लिए ये है वाईफाई। हम लोग ने ख़रीदे हैं इसको 50 रियाल में, 50 रियाल बोले तो इंडियन 10,800 रुपये, इतने में हम लोग ने वाईफाई ख़रीदे, बिकॉज हम लोग को यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा था, लिमिटेड GB नहीं चलता था बोले तो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इसके लिए। इसमें रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें सिम लगता है अंदर में, तो ये है, इसके साथ चार्जर मिलता है अपने को फ्री, हमेशा इसको पावर में जोड़े ही रखते हैं हम लोग ऑल टाइम में, तभी हम लोग यूज़ करते हैं, और एकदम बहुत अच्छा 5G तक है, 4G 5G यूज़ होता है इजीली यहाँ पे। भाई यहाँ पे इतना महंगा नेट था, इसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को नहीं चलेगा करके, इंडिया में यूज़ किया हुआ आदत है तो वाईफाई लेना ही पड़ेगा, तो वाईफाई इसके लिए लिया हम लोग ने। मैं लंच के टाइम में कपड़ा डाला था वॉशिंग मशीन में, अभी 6 बजने को 1:30 बजे डाला था, अभी तक वैसे ही है कपड़े। मैं इतना सोता हूँ यार, तो मैं अभी जा रहा हूँ टेरिस पे, मैं कपड़ा डालने आया था ऊपर में सुखाने के लिए, तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर से जो व्यू है एक्चुअल वो दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो आउटसाइड का, बाहर का व्यू है ये फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, और ये जो दिख रहा है आपको ये है मशरूम की फार्मिंग, मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।